हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक्सप्लोरर्स क्लब। और आज हम आपको लेके जा रहे हैं कनाताल। कनाताल जो है वो देहरादून से लगभग 2.5 से 3 घंटे की जर्नी है। वहाँ पे हमारे जाने का पर्पस आज ये है कि हम लोग एक होम स्टे है जिसके बारे में हमने सुना था, तो वहाँ पे स्टे करेंगे आज और आपको बताएंगे एग्जैक्टली कहाँ पे है वो होम स्टे और उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। कैसा वहाँ का खाना है, कितना वहाँ का चार्जेस है स्टे के, वो सब आपको बताएंगे। तो आप वीडियो प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा। हाय करो, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए चलते हैं। खिला दिया। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कनाताल, लेकिन हमें जहाँ जाना है जिस होम स्टे में अभी वो थोड़ा दूर है। तो यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी अभी हमने, तो अब चलते हैं यहाँ से अपनी डेस्टिनेशन पे। यही वो रास्ता है जो उस होम स्टे के लिए जाता है। तो आराम से चलो। ये इनको टच मत करना, खुजली हो जाएगी। बहुत नीचे है। देखो रोज लगे हैं। पूरा कलर कितना प्यारा है। हाँ। चलने की जगह काफी मुश्किल है, देखिए काफी कठिन रास्तों से होके गुजरना पड़ता है हमें। ये देखिए आगे भी देखिए ऐसे ही है। थोड़ा आराम से आना, आराम आराम से, ध्यान से जाना है, आराम से चलना है। इसको पकड़ के पकड़ो। हाँ, इसे पकड़ के चलो। अखरोट है ये। अखरोट है। हाँ। ये देखो आलू, पहाड़ी आलू। सब जगह खेती खेत है यहाँ पे, है ना? हाँ। और अभी हम चलते ही जा रहे हैं नीचे। वैसे तो थोड़ा नीचे है, ज्यादा नहीं है, पर एक रास्ता ऐसा है कि ध्यान से चलना पड़ रहा है बड़ा। और अभी नीचे चलते हुए तो फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर आते हुए इतनी थकान लगेगी ना, इतना दर्द होगा पैरों में। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बाउंड्री कर रखी है, यही है वो होम स्टे का नाम है फुलारी। ये है फुलारी होम स्टे। ये है यहाँ का एंट्री गेट। इसके साथ ही लगा हुआ एक रूम है जहाँ पे लिखा है फुलारी होम स्टे। यहीं पर आपको बच्चों के खेलने के लिए जैसे कैरम वगैरह और बैडमिंटन के लिए आपको रैकेट वगैरह मिल जाएगा। ये जो मेनली एरिया है ये इनका डाइनिंग एरिया है, आप नीचे बैठ के खाना खा सकते हैं। अगर आप प्रेफर करें तो आप बाहर बैठ के भी खा सकते हैं, देखिए यहाँ पे बैठ के खा सकते हैं या पलंग पे बैठ के खा सकते हैं। मतलब यहाँ पे बैठ के खाने के लिए और चाय पानी पीने के लिए काफ़ी ऑप्शंस हैं, क्योंकि आप बाहर आए हैं व्यू देखने एंजॉय करने, तो आप कोशिश करें बाहर ही बैठ के खाएं, क्योंकि ठंडी हवा, ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा गर्मी हो, तो आप आराम से बैठ के खा सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए बहुत ही प्यारी जगह है, यहाँ बैठ के आराम से आप चाय या अपने ड्रिंक्स वगैरह लेके एंजॉय कर सकते हैं व्यू के साथ। इनका जो मेन एरिया है वो ये एरिया है, इसमें 4 रूम्स हैं इनके टोटल, और ऊपर भी ये कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं पर अभी तक हुआ नहीं है, अभी धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अभी वर्कर्स वगैरह लगे नहीं है फिलहाल। और इन सारे रूम्स का, इनमें से देखिए सबसे बड़ा रूम ये है, ये देखिए ये काफ़ी बड़ा रूम है, इसमें इसमें 4 से 5 लोग रह सकते हैं। ये देखिए साइड में एक बेड भी पड़ा है, तो रूम्स अच्छे हैं। यहाँ पे देखिए कबर्ड भी है इसमें, क्योंकि काफ़ी स्पेस मिल गया है रूम को, तो एक कबर्ड भी लगा दिया है। और देखिए पेंटिंग वगैरह हो रखी है, वॉल पेंटिंग। बाकी ये छोटे रूम्स हैं, ये देखिए एक सिंगल बेड लगा है यहाँ पे, डबल बेड है सॉरी, और यहाँ पे 2 से 3 लोग अकोमोडेट हो सकते हैं। रूम नीट एंड क्लीन है और स्पेशियस है काफ़ी रूम, ऐसी ही बात नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, अच्छा रूम है, स्पेशियस है, तो आप यहाँ पे रह सकते हैं आराम से। काफ़ी ठंडा है, गर्मियों के लिए तो बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन इन सब का चार्ज जो है 2000 पर पर्सन पड़ेगा आपको, और इसमें मिलेगा ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, तीनों फूड कॉम्प्लीमेंट्री,
जो भी ये रूम्स हैं इनका एक कॉमन वॉशरूम एरिया है जो कि यहाँ पे है। प्राइवेट कॉटेज में अलग से प्राइवेट एक वॉशरूम है, लेकिन जो यहाँ पे रहेंगे जिनका यहाँ पे बुकिंग है उनके लिए ये कॉमन वॉशरूम है, वो ये यूज़ कर सकते हैं। और इससे आगे, गेट से आगे इनका अपना एरिया है जहाँ पे ये रहते हैं, और वहीं पे इनकी किचन वगैरह भी है, वहीं से खाना बन के आता है। और जो हम लोगों ने लिया है जो प्राइवेट कॉटेज है उसका रास्ता यहाँ से जाके, ये देखिए यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा। प्राइवेट है और मतलब उन जो बाकी रूम्स हैं वहाँ से थोड़ा अलग है, तो डिस्टर्बेंस भी नहीं है कोई, आप अपना पर्सनल स्पेस इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ से जाके है, ये देखिए ये है वो प्राइवेट कॉटेज। अब ये कैसा दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से, अभी चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये दो चेयर्स रखी हुई हैं, यहाँ पे बैठ सकते हैं आप, चाय लेके आप इस व्यू को एंजॉय कर सकते हैं साथ साथ। अभी हमने एक्चुअली सामान रख दिया है तो थोड़ा सा मैसी हो गया है, लेकिन देखिए ये बेड है और ये लाइटिंग्स वगैरह है यहाँ पे, यहाँ पे एयर डिस्पेंसर रखा है। और वॉशरूम भी मैं आपको बता दूँ, वॉशरूम भी साफ है, नीट एंड क्लीन है। ये देखिए कुछ कोई गंदगी नहीं है, कुछ नहीं है, रूम भी पूरा सैनिटाइज और क्लीन रूम है। और रूम में देखिए ये मिरर भी है, आप पर्दे खोल के कर्टेंस हटा के आप लेटे लेटे भी व्यू को एंजॉय कर सकते हैं बाहर के, ये देखिए। तो काफ़ी अच्छा है, मतलब रूम छोटा है लेकिन काफ़ी अच्छा है। इसका चार्ज जो है 6,000 पर नाइट है, जिसमें कि हमारा 3 टाइम का फूड इंक्लूडेड है, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, साथ साथ आपको टी भी मिलेगी, टी या कॉफ़ी जो आपको प्रेफर करते हैं वही मिलेगा। और जब हम आए यहाँ पे तो इन्होंने हमें वेलकम ड्रिंक्स भी दिए, तो काफ़ी कुछ है अवेलेबल। 6,000 इज़ नॉट अ बिग अमाउंट आई गेस, मतलब सब कुछ मिल रहा है आपको। जब तो पहले आपको दिखाते हैं कि यहाँ का अभी लंच में क्या ऑप्शन है हमारे पास, क्या अवेलेबल है, और फिर आपको बताते हैं उसका टेस्ट कैसा है। यहाँ पे लंच लगा रखा है इन्होंने, आपने ले लिया अपने खाना? मेरा भी रेडी है सब कुछ, बहुत बढ़िया। चलो खाते हैं अब। पानी आ रहा ना मुंह में, और भूख भी लग रही है बहुत ज्यादा, हालत इतनी गंदी हो रही है ट्रैवल कर, पकौड़े और चाय। सैंडविच भी है क्या? सैंडविच बोला था, ठीक है ठीक है। चलो मेरी वीडियो, वाओ यार पकौड़े देखो, मसाला मसाला डाला है। यस, खा के देखो, खा के देखो। आहा गरम गरम होंगे ना, गरम और इतने क्रिस्पी हो रहे हैं, कट आवाज आई ना जो। हाँ हाँ, चलो खाते हैं यार। यार अभी अभी ना पेट भर के इवनिंग स्नैक्स खाया हमने, पकौड़े थे, सैंडविच था और चाय थी, पेट भर गया। अभी ऐसा लग रहा है डिनर कैसे करेंगे हम लोग, पर टेस्टी इतना था ना, मज़ा आ गया। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? हाँ। क्या? हाँ, गरम गरम पकौड़े और क्रिस्पी इतने थे ना। हाँ। हाँ, ये चीज थी ये चीज जो है सॉरी सॉरी। अब आपको यहाँ का नाइट व्यू दिखाएंगे, नाइट व्यू दिखाएंगे और डिनर भी साथ में कराएंगे। हाँ। आपको तो नहीं करा सकते, हम खुद ही करना पड़ेगा। हाँ। नहीं, वो लोग अपने अपने घर में कर सकते हैं। हाँ, आप लोग घर में करिएगा और हम लोग अभी वापस रूम में जा रहे हैं, और जब डिनर के टाइम में निकलेंगे बाहर तो आपको यहाँ का भी नाइट व्यू दिखाएंगे और डिनर कैसा है वो भी बताएंगे। अब जो है सूरज तो ढल चुका है, लेकिन यहाँ पे जो लाइटिंग है रात में इन्होंने जो कर रखी है, देखिए
ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है लाइटिंग में। कई बार चीज़ें रात में देखने में ज़्यादा सुंदर लगती हैं, तो वैसे ही ये भी है। शायद आपको रात में इस समय देखने में नाइट व्यूज़ का ज़्यादा आनंद लें आप वीडियो में। और अभी कुछ गेस्ट और आए हैं शायद इनके, ये देखिए। आप क्या कर रहे हैं बैठे अकेले? व्यू देख रहे हैं। व्यू कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर। गुड। और ये है फुलारी होमस्टे का नाइट व्यू। डिनर रेडी है? क्या क्या एक बार देखें। राइस सैलड है, ये पनीर है आई गेस, पनीर, दाल, आई थिंक ये चिकन है। चिकन है, ये प्योर वेज खाना। यहाँ पे नॉनवेज भी बना है बट मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ तो इसलिए वेज खाओगे। यस चलो बढ़िया खाओ। वैसे देख के तो मुझे अच्छा ही लग रहा है। ठीक है बढ़िया मस्त मस्त एकदम। मैं भी ले लूं? हाँ जाओ भी ले लो। तो गाइस खाना तो हमने खा लिया है, बहुत ही टेस्टी था, पेट भर गया है फुल। और अब है सोने की बारी, तो आपसे मिलते हैं सुबह। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और हम लोग थोड़ा लेट उठे। कल इतनी बढ़िया नींद आई कि हम लोग आराम से सोए बिल्कुल। और मैं आपको एक और जगह दिखाता हूँ, देखिए मेरे पीछे, ये देखिए ये एक और बैठने का अच्छा सा जगह है। ये ऊपर पेड़ है, नीचे आप बैठ सकते हैं आराम से, यहाँ बैठ के चाय पियो और सामने देखो पहाड़। हाँ तो अच्छा है जगह बैठने का। ये हमने कल इतना ध्यान नहीं दिया इस पर, लेकिन हमने सोचा जाते जाते थोड़ा ध्यान दिया जाए इस पर। अभी हम लोग के लिए चाय बन रही है, चाय पियेंगे फिर देखते हैं ब्रेकफास्ट कितने में रेडी होता है, फिर उसके बाद निकलते हैं। इस फूल का काम बता सकते हो, उसका काम क्या है? काम क्या है? मतलब रोज है और पूजा का रोज का काम है। कॉर्नफ्लेक्स है, ये वो है सेमिया, मिल्क है और पराठे आ रहे हैं बस। पराठे गर्मा गर्म, चलो अभी ले लें, गर्म है ले लेते हैं। तो ले लो खाओ मजे खाओ और पेट फुलाओ। दही ले लो जिसे हम लोग दूध समझ लेते दही था। कोई नहीं, कलर तो सेम ही है। तो गाइज़ हम लोगों ने चेकआउट कर दिया है फुलारी होम स्टे से और बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा था हमारा स्टे यहाँ पे और खाना पीना भी बहुत बढ़िया था। शांति और सुकून में गए हमारा ये वीकेंड यहाँ पे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप भी फुलारी होम स्टे में आना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में जो इसका डिटेल है और जो एड्रेस वगैरह फ़ोन नंबर वगैरह है वो सब मेंशन कर दूंगा, आप ज़रूर आएँ, इन्हें कॉन्टैक्ट करें। और कोशिश करें आप जब भी आपका प्लान हो आने का उससे एक हफ्ते पहले या 10 दिन पहले बुक करा लें, ताकि यहाँ पे पहले ही काफी बुकिंग हो जाती है, इसलिए तो ये चीज़ ध्यान रखें। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।